वीडियो में 53 इयर्स का बूढ़ा एक 6 साल की लड़की से शादी करता है, निकाह करता है। हरि की फितरत में खुदा ने रचक दी है, तुम जितना दबाओगे हम उतना उभरेंगे। मोन्टाज में ये वीडियो सुना आपने, ये है बीजेपी के एमएलए राजा सिंह। जी हाँ, और ये जिस तरीके से प्रोफेट मोहम्मद पर इन्होंने टिप्पणी की है, उसके बाद हैदराबाद में पूरा माहौल गर्म हो गया। रात भर वहां के जो लोकल थे उन्होंने थाने का घेराव किया और इनकी गिरफ्तारी की मांग की। अब इनको डिटेन कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन आप समझिए कि बार बार बीजेपी लगातार क्यों हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलती है। दरअसल हैदराबाद की एक सीट पर, विधानसभा सीट पर उपचुनाव चल रहे हैं, जहां पर अमित शाह भी गए थे और वहां किस तरीके से उनका बायकॉट हुआ। वहां पर बाकायदा पोस्टर लगाए गए कि ये तड़ीपार कौन है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें उनका पोस्टर लगा हुआ है। इसके अलावा उनकी वहां की कई और वीडियोज वायरल हुई है जिसमें उनको वहां के जो वोटर्स थे वो दौड़ाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आप समझिए कि जो बीजेपी है वो लगातार किस तरीके से हिंदू मुस्लिम एंगल देती है। जहां जहां चुनाव होता है, जब जब चुनाव होता है, वो फिर से किसी भी तरीके से वो चाहती है कि हिंदू मुसलमान हो, वोटों का पोलराइजेशन हो और उनको फायदा मिले। तेलंगाना में बीजेपी का कोई ज्यादा अस्तित्व नहीं है, वहां पर टीआरएस बहुत मजबूत है, जिसके चलते बीजेपी को वहां पर अपनी जमीन तलाशने में काफी दिक्कत होती है। इसी की एक कड़ी है टी राजा, जो लगातार ऐसे बयान देते आए हैं जिससे मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हो। इसके अलावा भी उन्होंने लगातार ऐसी वीडियोस और उनके गाली के वीडियोस का तमाम खासकर वायरल होते हैं। अब मामला है, इससे पहले था मुनव्वर फारूकी जो कॉमेडियन है, जिन पर आरोप था कि उन्होंने हिंदुओं के देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की और उन्होंने अपमान किया है और एक समुदाय की भावनाएं आहत की है। उन पर आरोप था, उनको गिरफ्तार भी किया गया लेकिन उनको कोर्ट ने जमानत भी दे दी, इतना समझिए। लेकिन उसके बावजूद भी, कोर्ट के जमानत देने के बावजूद भी, मुनव्वर फारूकी खुले तौर पर माफी मांग चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, अगर अनजाने में भी किसी की भावनाएं आहत हुई हो, किसी को तकलीफ पहुंचाई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद उन्होंने इस तरीके का जो पॉलिटिकल कंटेंट था उसको बनाने से मना कर दिया, एकदम परहेज कर लिया। लेकिन उसके बावजूद भी, चूंकि उनका नाम मुनव्वर फारूकी है, लगातार उनको विरोध का सामना करना पड़ता है। उसी का यह नतीजा था कि हैदराबाद में मुनव्वर फारूकी का एक प्रोग्राम था जिसके बायकॉट के लिए टी राजा ने अपील की थी और मुनव्वर फारूकी को धमकी दी थी कि मैं आज तुम्हारा शो हैदराबाद में नहीं होने दूंगा। लेकिन हैदराबाद में पुलिस ने उनको सिक्योरिटी दी और उनका शो हुआ, जिसके बाद टी राजा और भड़क गए और उन्होंने उस उत्तेजना में आकर जिस तरीके की अमर्यादा टिप्पणी जो प्रोफेट है मोहम्मद साहब पर की, उसके बाद वहां हैदराबाद के जो लोकल्स थे, जो मुस्लिम थे, वो उन्होंने पुलिस कमिश्नरेट का घेराव किया और प्रोटेस्ट किया, चक्का जाम किया, जिसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन आप समझिए कि लगातार वही चीजें बार बार दोहराई जाती है। एक तरफ नुपुर शर्मा के बयान से पूरे देश में कत्लों का ऐसा बाजार सा लगा था कि कहीं अमरावती में किसी को मार दिया जा रहा है, कहीं जोधपुर में किसी को मार दिया जा रहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूरे देश में जो आग लगी पड़ी है उसके लिए जिम्मेदार नुपुर शर्मा है। पूरा इंटरनेशनल दबाव बना बीजेपी पे, बीजेपी ने उनको बर्खास्त कर दिया। लेकिन बीजेपी के विधायक, बीजेपी के मंत्री लगातार इसके बावजूद भी वो चूकते नहीं है और ऐसे बयान देते रहते हैं। उसी कड़ी में राजा सिंह है, जिन्होंने फिर से प्रोफेट मोहम्मद पर टिप्पणी की है, अमर्यादित टिप्पणी की है, उसको जरा सुन लीजिए एक बार। तो उस वीडियो में 53 इयर्स का बूढ़ा एक 6 साल की लड़की से शादी करता है, निकाह करता है। अरे ये तो बहुत गलत बात है, एक 53 इयर्स का बूढ़ा और 6 साल की लड़की से शादी करता है। कितने साल की लड़की? 6 साल। कितनी दुर्भाग्य की बात है यार, एक 6 साल की लड़की से निकाह करना। तो सुना आपने किस तरीके से ये मजाक उड़ा रहे हैं और किस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं। क्रिटिसाइज करना और किसी की भावनाओं को आहत करना दोनों अलग अलग चीज है। उसी के खिलाफ अब जो वहां के हैदराबाद के मुसलमान हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से कमिश्नरेट का
पुलिस का घेराव किया और इनकी गिरफ्तारी की मांग की और अब इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, इनको हिरासत में ले लिया गया है और इन पर अब FIR दर्ज कर ली गई है, अब इन पर केस चलेगा। अब देखते हैं क्या हैदराबाद की पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करती है वहां की अदालत और इनको जेल भेजने का काम करेगी या फिर इनको भी छोड़ दिया जाएगा, जिस तरीके से आज तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होती है, जबकि उसी संदर्भ में उसी मामले में तमाम लोग जो है अपनी जान गंवा देते हैं, पूरे देश में एक अलग माहौल बन जाता है, लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जो अलग अलग राज्यों में FIR दर्ज हुई थी वो सारी FIR दर्ज कर दिल्ली में उनकी सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो नुपुर शर्मा को फटकारता तो है लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है। अब उसी कड़ी में टी राजा जुड़ गए हैं। टी राजा ने जिस तरीके से टिप्पणी की है उसके बाद से मुसलमानों में गुस्सा है, गुस्से की लहर है, उनके खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या बीजेपी लगातार जानबूझकर इस तरीके से बयानबाजी करवाती है ताकि उसको आने वाले चुनाव में फायदा मिले, या ये इससे बढ़कर इससे हटकर मुसलमानों के प्रति जो नफरत है उसको जाहिर करता है कि हाँ बीजेपी वाकई में मुसलमानों से कितनी नफरत करती है, जिसका नतीजा ये है कि आए दिन मुसलमानों पर उनके जो प्रोफेट है उन पर लगातार ऐसी टिप्पणी देखने को मिलती है। इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।